सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम। आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहले दो बता देता हूँ मैं आपको, दो को लेकर, जैसे ए और बी होता है आपका, इन दोनों के बीच में यदि हमें कोई रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है, ज़्यादातर आपको तीन का रिलेशन जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम दो के बारे में बात कर लेते हैं। यदि मैं कहूं कुछ ए बी है तो उसका मतलब क्या होता है आपका, कुछ ए बी है यानी कि ए और बी का जो है क्या होता है, ओवरलैप करते हैं। ए का कुछ हिस्सा और बी का कुछ हिस्सा क्या होता है, कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम याद रखना है आपको, यदि आपको नहीं पता है, जिसको पता है तो बेस्ट है, यदि जिसको नहीं पता है तो पहली बार स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए हैं ये चीज़ें। यदि मैं बोलूँ सभी के सभी क्या हैं, ए बी हैं, तो सभी के सभी ए क्या हैं, बी हैं, आल ए आर बी। तो यानी कि क्या करोगे आप, ए अंदर बनाओगे और बी बाहर बनाओगे, तो इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो एक किसका डायग्राम अंदर बनेगा, ए का डायग्राम बी के अंदर बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सारे जो ए हैं, सभी के सभी ए हैं, वो क्या हैं, बी हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है आपकी बात, कोई भी ए और बी नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग इनका डायग्राम बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ए अलग बी अलग, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो दोनों के बीच में कुछ संबंध है, कुछ क्वालिटी कॉमन है, तो कुछ का मतलब कुछ हिस्सा ओवरलैप करेगा। तो सभी के सभी ए अंदर आएंगे, बी का मतलब क्या है, जो सारे ए हैं वो क्या है, बी है। तो ये तो थी बात जब आपके दो चीज़ें आपकी गिवन हो। यदि आपको तीन चीज़ें गिवन हो तो उसके डायग्राम आपके अलग अलग हैं, ये है इस तरह से। तो इनका पहले हम मतलब समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये क्या है, ये आपकी तीन चीज़ें गिवन होंगी, ए बी और सी। तो इनकी जगह कुछ भी आपका नाम दिया जाएगा, तो आपको डायग्राम की मदद से उनका संबंध दिखाना होता है कि कौन सा जो डायग्राम है उन तीनों के बीच में रिलेशन शो करता है। तो अब आप देखेंगे ए और बी, और बी और सी क्या है, ए के अंदर बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, बी और सी ए के ही अंदर है, यानी कि वो सारे के सारे ए हैं, लेकिन बी और बी सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि बी अलग है और सी अलग है, लेकिन बी और सी सारे ए के ही क्वालिटी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए बी सी, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ए में बी में, बी में सी में, सी और ए में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो आप ए बी सी तीनों डायग्राम को ए बी सी मान के चलो, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम वहां पर देखेंगे। अब आप देखिए थर्ड फिगर में, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, इसका मतलब क्या है, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन ए का बी और सी से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ए अलग दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए बी और सी में कोई भी संबंध नहीं हो तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरह से, तीनों अलग अलग, ठीक है। अब जैसे ये है ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, सारे के सारे ए हैं जो वो क्या है, ओ सॉरी, सारे के सारे जो बी है वो क्या है, ए है, तो इसलिए जो ए, सारे के सारे जो बी है ए के अंदर बनाए गए हैं, लेकिन सी का ना तो ए से कुछ संबंध है, ना ही सी से, ओ बी से कुछ संबंध है, इसलिए इसको अलग बना गया है, ठीक है। जैसे ए और बी का हमने बनाया था, सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो ए का डायग्राम बी के अंदर बनाया था हमने। अब ये देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं सी, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो बी है वो ए है, ठीक है, और जो सारे के सारे जो सी है वो क्या है, बी है, क्योंकि सी बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, जो सारे के सारे हो वो उसके अंदर आएगा, सारे ए क्या है, बी है, तो इसलिए ए बी के अंदर आया था। यदि यहाँ पर मैं बोल दूँ सारे के जो बी है वो क्या है, सी है, तो सी बाहर ए अंदर। तो ये तो थी बात डायग्राम की, आपको शायद होप समझ में आ गया होगा कि हर एक डायग्राम का मतलब क्या है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आपका एग्जाम में आएगा वेजिटेबल पोटैटो
और कैबेज, और कैबेज, तो इन तीनों का रिलेशन कौन सा डायग्राम आपका शो करता है, इस तरह से आपका रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल पोटैटो कैबेज, इसका मतलब क्या है, सब्जी आलू और पत्ता गोभी, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए, और पत्ता गोभी, तो इन तीनों का रिलेशन आपको शो करना है, कौन से डायग्राम से आप शो करेंगे। ये ए बी और सी हैं, तो उनकी जगह आपको वेजिटेबल दे दिया, पोटैटो दे दिया, कैबेज दे दिया। अब आप देखेंगे पोटैटो और कैबेज दोनों की दोनों क्या है, सब्जियां हैं, लेकिन आलू अलग है और पत्ता गोभी अलग है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा इसका, ए डायग्राम। कैसे, सारी की सारी वेजिटेबल्स तो बाहर आ गई आपकी, ठीक है, ये क्या शो करेगा, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी। तो पोटैटो और कैबेज आपकी क्या है, सब्जियां हैं, लेकिन पोटैटो और कैबेज में कोई भी संबंध नहीं है, आलू अलग है और गोभी अलग है, दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों सब्जियां हैं, इसलिए वो सब्जी के अंदर आई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, वीक ईयर और डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक ईयर और डे, यानी कि सप्ताह साल और दिन, सप्ताह साल और दिन, तो इनका जो रिलेशन है कौन सा डायग्राम आपको दिखाएगा। तो अब आप देखिए, जो साल है सबसे बड़ा होता है, तो यानी कि साल के अंदर जो है सप्ताह इंक्लूड होता है, ठीक है, साल के अंदर क्या होता है, सप्ताह होते हैं, ठीक है, साल के अंदर क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, तो ये तो आपका हो गया ईयर, और ये क्या हो गया आपका वीक, यानी कि सप्ताह। अब आप देखेंगे जो दिन है वो किसके अंदर आते हैं, सप्ताह के अंदर, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, सात दिन होते हैं, तो इसलिए जो दिन है आपका किसके अंदर आ जाएगा, सप्ताह के अंदर आ जाएगा। तो कौन सा डायग्राम शो होगा आपका, एफ वाला डायग्राम, ठीक है, साल के अंदर सप्ताह और सप्ताह के अंदर आपके क्या होते हैं, दिन होते हैं, तो आपका डायग्राम बनेगा एफ वाला, ठीक है। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको वेन डायग्राम कैसे करने हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो, नेक्स्ट है आपका मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो। हिंदी मीडियम वाले के लिए है सरसों, जौ और आलू, सरसों, जौ और आलू, ठीक है, सरसों, जौ और आलू, तो इन तीनों का रिलेशन कौन सा डायग्राम शो करता है ऊपर वाले छह में से। तो अब आप देखिए, जो मस्टर्ड है आपकी, सरसों है, वो क्या है, ऑयल सीड से, यानी कि इससे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। बार्ले आपकी जो है, ठीक है, बार्ले क्या है आपकी, जो है, और पोटैटो आपकी क्या है, सब्जी है, ये आपका अनाज है। अब आप देखेंगे तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सरसों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है जौ का, और जौ का आलू से कोई संबंध नहीं है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा आपका, डी वाला। क्या है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये आपका मस्टर्ड हो गया, ये आपका बार्ले हो गया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, डायरेक्ट आपको आंसर मार्क करना है देखते ही, ठीक है। इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा, आपको लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे डायग्राम मिलेगा डी। अब आप देखेंगे मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो में कोई भी संबंध नहीं है, तो तीनों अलग अलग, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथर, टीचर, ऑथर, टीचर और मैन, ऑथर, टीचर और मैन, ऑथर, टीचर और मैन, यानी कि लेखक, अध्यापक और आदमी, लेखक, अध्यापक और आदमी।
तो अब आप देखेंगे इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है इन तीनों में, ऑथर टीचर हो सकता है, जो आपका अध्यापक है वो लेखक हो सकता है, लेकिन सारे अध्यापक ऐसा नहीं है कि वो लेखक हो, हो सकता है कुछ लेखक अध्यापक हो और कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं। अब आप देखेंगे आदमी और इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ आदमी अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आदमी अध्यापक वो क्या हो, अध्यापक हो, कुछ आदमी डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं, तो आदमी कुछ आपके अध्यापक होते हैं, ठीक है। और ऑथर में और आदमी में क्या रिलेशन है, कुछ आदमी भी लेखक हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ का रिलेशन कौन सा बनेगा आपका, बी डायग्राम। तो ये ऑथर हो गया, ये लेखक हो गया, ये आपका आदमी हो गया, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि कुछ आदमी टीचर हो सकते हैं, कुछ आदमी टीचर हो सकते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ऑथर हो गया। यानी कि कुछ ऑथर आदमी है, बाकी के ऑथर लेडीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, और कुछ ऑथर टीचर भी हो सकते हैं, ये भी तो पॉसिबल है। और ये क्या है, हो सकता है कि तीनों के बीच में भी कुछ रिलेशन हो, ऑथर आदमी भी हो सकता है और वही ऑथर आपका टीचर भी हो सकता है, तो आपका रिलेशन बनेगा तीनों में कॉमन वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, जिसको नहीं समझ में आया तो एक से दो बार देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वेन डायग्राम हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है केरला, बिहार और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला, बिहार और इंडिया। तो अब आप देखेंगे केरल, बिहार और भारत, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये तो आई होप सबको जल्दी समझ में आ जाएगा। केरल क्या है, आपकी स्टेट है, बिहार भी आपकी स्टेट है और इंडिया के अंदर है दोनों की दोनों स्टेट आपकी। तो अब आप देखेंगे दोनों की दोनों स्टेट किसके अंदर है, इंडिया के, तो इंडिया बाहर, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिहार कहाँ और केरल कहाँ, तो यानी कि दोनों अंदर ही आएंगी, इंडिया के क्या है, इंडिया का ही पार्ट है, तो यानी कि अंदर बनेंगी, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, केरल अलग बिहार आपका अलग। तो आपका डायग्राम बनेगा ए वाला, केरल बिहार और इंडिया, ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और आपका समकोण त्रिभुज, तो इन तीनों का रिलेशन क्या है आपको बताना है, ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता है वो बता देता हूँ, ट्रायंगल तो आप सभी को पता होगा, तीनों की क्या होती है, तीन भुजाएं होती है ट्रायंगल की, और ट्रायंगल की टाइप आपको मैं ज्योमेट्री में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल है यानी कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, स्केलिन ट्रायंगल की तीनों भुजाएं अलग अलग। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का और ये आपकी होती है तीन भुजाएं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी तो पॉसिबल है आपका कि दो साइड आपकी बराबर हो, ये भी तो हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये दोनों साइड आपकी बराबर हो सकती हैं, ठीक है, क्या हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो सकती हैं। यदि दो साइड बराबर हो गई तो सारे के सारे तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन नहीं होंगे, तो कुछ राइट एंगल आपके क्या होते हैं, स्केलिन होते हैं, क्योंकि कुछ राइट एंगल की तीनों साइड अलग होती हैं और कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं, ये तो आपने देखा होगा। तो ट्रायंगल के अंदर बनेगा दोनों ट्रायंगल, ये तो पॉसिबल है, ये तो हो गया आपका ट्रायंगल,
त्रिभुज, यानी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल के अंदर आएंगे, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आएंगे, ट्राइंगल के अंदर आएंगे, तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं अंदर आएंगे तो ये भी नहीं बनेगा, या तो ये या फिर ये, ए और एफ में से अब कौन सा बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर आएंगे दोनों के दोनों, अब आपको बताना है राइट एंगल और स्केलिन में क्या रिलेशन है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं आपके कुछ, यानी कि कुछ राइट एंगल ट्राइंगल आपके स्केलिन हो सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग होती हैं और स्केलिन की भी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड भी तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर F बनेगा, तो F तो नहीं बनेगा। यदि भैया आपने F बना दिया तो ये हो गया आपका स्केलिन और ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम तो आपने बना दिया कि राइट एंगल बना दिया, तीनों साइड अलग अलग, ठीक है, कि सारे राइट एंगल स्केलिन होते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल हमें ऐसा भी तो बना सकते हैं कि दो भुजाएं उसकी बराबर भी तो हो सकती हैं, तो ये तो डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो आपका बनेगा आपका कुछ वाला रिलेशन, ठीक है, कि सारे के सारे आपके ट्रायंगल हैं और ये क्या होगा, इनके अंदर जो होगा कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अंदर कुछ कॉमन होगा, ये डायग्राम और बना देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलिन ट्रायंगल और ये क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रायंगल है, यानी कि अंदर बनेंगे, और स्केलिन और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ का रिलेशन होता है, यानी कि कुछ राइट एंगल स्केलिन होते हैं और कुछ स्केलिन नहीं होते हैं। उदाहरण आपके सामने है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, राज्य, जिले और आपके केंद्र शासित प्रदेश, आपको बताना है राज्य, जिला और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा। जो आपकी जिले होते हैं किसके अंदर होते हैं, आपके स्टेट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में जिले होते हैं। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा के अंदर आपके क्या आते हैं, जिले आते हैं। ये तो आप होप सबको पता ही होगा आराम से कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी स्टेट के अंदर आती हैं। तो ये तो रिलेशन हमें भी पता चल गया कि राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं, राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं। ठीक है, तो ये तो रिलेशन हमें पता चल गया। अब यूटीज का रिलेशन देखना है। जो यूटीज होती है आपकी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो आपके अलग होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर यूटीज आपकी अलग है, स्टेट आपकी अलग है, जिले आपके स्टेट के अंदर होते हैं। तो यूटी का आपका कोई भी संबंध नहीं होता है इन दोनों से, तो यूटी आपका बनेगा अलग। ठीक है, स्टेट के अंदर आपके जिले और यूटी का दोनों से कोई संबंध नहीं, यानी कि वो क्या बनेगा, अलग बनेगा। नोट डाउन कीजिए, ये था आपका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपको बुक पसंद आए। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, आइस और एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन, आइस और एयर। नाइट्रोजन बर्फ और हवा, नाइट्रोजन बर्फ और हवा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अब आप देखेंगे जो एयर होती है उसमें क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन भी होती है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन भी होती है, रेस्ट गैसेस भी होती है, कार्बन भी होती है। तो नाइट्रोजन और एयर जो सबसे पहले आपको समझ में आ जाए ना, वो रिलेशन आप बना लो। ठीक है, अब आप देखोगे एयर है आपकी हवा,
हवा के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और रेस्ट गैसेस होती हैं। तो यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर होता है। नाइट्रोजन आपकी क्या है, गैस है, और वो कहाँ पर पाई जाती है, एयर में। तो एयर बाहर, नाइट्रोजन अंदर। तो अब आप देखेंगे बर्फ का और इन दोनों से क्या रिलेशन है। तो बर्फ आपकी क्या होती है, सॉलिड होती है, पानी से बनती है, तो वो तो आपकी अलग बनेगी भाई दोनों से, ठीक है। आइस का कोई भी संबंध नहीं है दोनों से, ठीक है। एयर के अंदर नाइट्रोजन, लेकिन आइस का दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो आइस आपकी अलग बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर गेम्स चेस और टेबल टेनिस। इंडोर गेम्स इंडोर गेम्स चेस और टेबल टेनिस, ये आपके गेम्स हैं। इंडोर्स गेम्स जो आप बाहर अंदर खेलते हैं, आउटडोर्स गेम्स आपके वो होते हैं जो आप बाहर खेलते हैं। इंडोर्स का मतलब डोर्स के अंदर, आउटडोर्स का मतलब आउट ऑफ डोर, यानी कि घर से बाहर। तो इसका रिलेशन आपका क्या बनेगा। तो पहले आप देखिए चेस और टेबल टेनिस तो भाई दोनों के दोनों गेम है, तो ये तो शो है कि ये क्या होंगे, इंडोर्स है या आउटडोर है, सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है। जो चेस है आप आराम से अंदर बैठ के खेलते हैं, टेबल ली आपने, यहाँ पर कुर्सी ली, यहाँ पर आप बैठ गए आमने सामने और आपने खेलना स्टार्ट किया भाई चेस। कहाँ पर खेलते हैं, अंदर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम बाहर भी तो खेल सकते हैं, लेकिन खेलने का क्या होता, ज़्यादातर आपका ये अंदर खेलने का होता है। आउटडोर का मतलब होता है जो आप बड़े मैदान में खेलते हैं, जिसके लिए बहुत सारी टीमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट टेबल टेनिस, ये भी आप क्या करेंगे, एक टेबल लगाई, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर, एक ने उधर से मारा, एक ने उधर से। टेबल टेनिस भी आपके इंडोर्स गेम हैं, ठीक है भाई। दोनों के दोनों क्या आएंगे, इंडोर्स गेम के अंदर आएंगे। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडोर्स गेम होते हैं। तो अब आपको बताना है चेस और टेबल टेनिस में कोई संबंध होता है। चेस अलग होता है, टेबल टेनिस अलग होता है, दोनों में कोई संबंध नहीं। तो चेस अलग, टेबल टेनिस अलग, भाई दोनों के दोनों होते तो गेम है, ठीक है। गेम के अंदर तो आएंगे, लेकिन चेस और टेबल टेनिस में कोई संबंध नहीं, अंदर आके दोनों अलग अलग। इस तरह से आपको सोचना है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, स्टार और मून। आपको सोचना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन करूं आपको सोचना है पोज करके, फिर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट इज सन, स्टार और मून, सूर्य, तारे और मून, चांद, इनमें क्या संबंध है आपको बताना है। सन, स्टार्स और आपका मून, ठीक है। अब आप देखेंगे इनमें से कौन सा डायग्राम आपका बन सकता है। हर एक की टाइप हमने ली है, तो अब आप देखिए जो सन होता है आपका, वो क्या होता है, आपका एक तारा होता है। सन क्या होता है, आपका एक तारा होता है। तो तारा आप बाहर बनाएंगे, यानी कि स्टार। तो सन क्या होता है, तारा, ठीक है। तो सन क्या बनेगा, अंदर बनेगा, क्योंकि सन क्या है आपका, तारा है, तो इसलिए सन आपका क्या आया, अंदर आया। अब मून का स्टार और सन से क्या संबंध है। जो मून है अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो यानी कि ना तो वो तारा है ना वो सूर्य है, तो आपका मून बनेगा भाई दोनों से अलग, तो यानी कि ई डायग्राम बनेगा। सन क्या है आपका, एक तारा है, मून का दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं, म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है आपका म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और आपका वायलिनिस्ट। म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट
और आपका है वायलिनिस्ट, ठीक है, वायलिनिस्ट। संगीतकार क्या होगा आपका, ये म्यूजिशियन मतलब संगीत का, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब वाद्य यंत्र, क्या होगा आपका हिंदी में, यंत्र वादक, वाद्य यंत्र वादक, और आपका होगा वायलिन वादक, जो वायलिन बजाता है। वायलिन बजाने वाले को हम क्या बोलते हैं, वायलिनिस्ट। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और म्यूजिशियन होते हैं आपके संगीत का, ठीक है। वायलिन आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से पकड़ा और एक डंडी सी होती है उससे बजाते हैं, जैसे शाहरुख खान की मूवी देखी होगी आपने, शाहरुख खान भी बजाता है वायलिन, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है आपको बताना है, सोचिए पहले आप और फिर सोच के बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो अब आप देखिए, वायलिनिस्ट भी आपका एक यंत्र है, जो वायलिन बजा रहा है वो एक यंत्र ही तो है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या है, यानी कि जो यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो वायलिनिस्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंदर आएंगे, जहां से भी आपको सोचना समझ में आए ना तो वहीं से आप बना दो। वायलिनिस्ट जो वायलिन बजाता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो वायलिन जो वायलिन है वो भी तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही तो है एक, तो यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं वायलिनिस्ट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो भी वायलिन बजाएगा वो इंस्ट्रूमेंट तो बजा ही रहा है, ये तो कॉमन सी बात है। तो वायलिन बजाने वाले क्या होते हैं, यंत्र वादक होते होते हैं। अब म्यूजिशियन का संबंध क्या है दोनों से, अब एक बात बताइए, म्यूजिशियन होता है संगीत का, जो वायलिन बजाता है वो संगीतकार ही तो हुआ, और जो इंस्ट्रूमेंट बजाएगा वो भी तो संगीतकार हुआ, तो ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे भाई, म्यूजिशियन के अंदर, किसके अंदर आ जाएंगे, म्यूजिशियंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है, तो ये डायग्राम आपका बनेगा कि जो वायलिन बजाता है वो यंत्र तो बजा रहा है, तो यानी कि वायलिन, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फिर म्यूजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, बायोलॉजी नेक्स्ट है आपका बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी क्या है आपका, जीव विज्ञान। बॉटनी क्या है आपका, वनस्पति, जो पेड़ पौधों से संबंधित होता है, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान। तो इन दोनों में, तीनों में रिलेशन आपको बताना है, सोचिए फिर बताइए क्या होगा, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। आपने यदि बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने देखा होगा जो बॉटनी और जूलॉजी है दोनों किसके पार्ट हैं, आपके बायोलॉजी के पार्ट हैं, तो बायोलॉजी तो आपकी बाहर बनेगी भाई। दोनों किसके पार्ट हैं आपके, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों किसके पार्ट हैं आपके, जीव विज्ञान के हैं। लेकिन वनस्पति में हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों और वनस्पति के बारे में, और जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जंतु जानवरों के बारे में, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो दोनों के दोनों बायोलॉजी के अंदर आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, तो ये बॉटनी और ये जूलॉजी, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्मी जनरल और कर्नल। आर्मी जनरल और आपका पूछा गया है कर्नल, कई बच्चे इसको कर्नल पढ़ेंगे कर्नल, ठीक है। तो आर्मी के अंदर रैंक होते हैं आपके, जैसे पुलिस के अंदर आप पुलिस लगेंगे तो आपके अंदर रैंक होते हैं हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी। तो इसी तरह आर्मी के अंदर रैंक होते हैं जनरल और कर्नल का, ठीक है। आर्मी के अंदर यानी कि जो आपकी आर्मी होती है उसके अंदर ये दोनों रैंक होते हैं, और दोनों रैंक अलग अलग होते हैं, दोनों रैंक जनरल
और कर्नल अलग अलग रैंक होते हैं आपके आर्मी के अंदर होते हैं रैंक, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये थे आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपकी जो हरियाणा एसएससी की सीरीज है, और साइड बाय हमने अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। हमने वहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन सीरीज जो अपनी स्टार्ट कर रखी है, उसके बाद हम रीजनिंग के भी बेस्ट क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।